Yes, hello everyone. Today we will derive all these three equations of motion one by one. So, सबसे पहले ये the first equation of motion, this is second equation of motion and this is third equation of motion. First equation of motion को derive करने के लिए सबसे पहले हम क्या consider कर रहे हैं कि हमारा जो object है वो एक किसी एक particular position से दूसरे position तक move कर रहा है and at that time उसकी जो velocity है वो change हो रही है. Means velocity में क्या हो गया? Change हो गया. Change in वेलोसिटी. वेलोसिटी में चेंज किस टर्म को रिप्रेजेंट करती है? एक्सेलरेशन को. तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है? एक्सेलरेशन मिल रही है. जो एक्सेलरेशन है, जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. एक्सेलरेशन जो होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो क्या किससे मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन से मिलती है, एक्सेलरेशन से. एक्सेलरेशन, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये क्या देती है? एक्सेलरेशन देती है. और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम अदर टर्म में क्या बोलते हैं? स्लोप. ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा? स्लोप होगा किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का. ठीक है, ये वाला जो स्लोप है ए बी, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप. ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में जो स्लोप होता है, मैंने ये आपको टेबल इसीलिए बताई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में जो स्लोप होता है उसको हम देते हैं टेंजेंट थीटा से. ठीक है, ये हमारे पास एंगल कितना है? थीटा. तो जो भी इस थीटा की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं. और अगर हमसे पूछा जाता है स्लोप कितना है, तो इनकी वैल्यूज पुट करके, एंगल की वैल्यूज पुट करके हम लोग वो वैल्यू निकाल लेते हैं. दैट दीज ऑल थिंग्स यू विल स्टडी इन योर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर इन मैथमेटिक्स. फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू लर्न दैट द स्लोप इज गिवन बाय अ टर्म, दिस इज टेंजेंट थीटा. और टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है? पी अपॉन बी. पी अपॉन बी. ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होते हैं वो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं. यहाँ पर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी बी. इसके लिए हमने क्या निकाला है? एक्सेलरेशन निकाला है. एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या यूज किया है? टेंजेंट थीटा, जो हमें क्या दे रहा है? स्लोप दे रहा है. इसके लिए वैल्यू क्या है? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हम यहाँ से लिखते हैं ए इज इक्वल टू वॉट? टेंजेंट थीटा, और इसकी वैल्यू है पी अपॉन बी. पी मीन्स परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या है? बी डी इज द परपेंडिकुलर. BD हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है हमारे पास AD. अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे. A इज इक्वल टू हमारे पास BD अपॉन AD आ गया. BD की वैल्यू देखिए, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास V है. इस V में से अगर हम ये वाला U माइनस कर देंगे तो ये खाली क्या बच गया? V माइनस U. तो BD की वैल्यू आ गई हमारे पास V माइनस U. और AD, AD की वैल्यू, AD किसके पैरेलल है? OC के पैरेलल है. और ये हमारे पास क्या है? टाइम एक्सिस, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T से. तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई टी. ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. जो टी है इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू. अब वी आ रहा है, यू भी आ रहा है, ए टी भी आ रहा है. बस हमें इसको क्या करना है? एडजस्ट करना है. तो ये जो वी है, वी यहाँ ले लेते हैं, ये माइनस का यू है, ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा. ये प्लस का ए टी है, ये रहेगा. दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको ड्राइव करने के लिए हमने क्या किया था? सबसे पहले एक्सेलरेशन कंसिडर किया था कि हमारा ऑब्जेक्ट किस में है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है. वहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. और एक्सेलरेशन हम किससे देंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप से एक्सेलरेशन दी जाती है. स्लोप हमारे पास ए बी है. ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में आप ये ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टेंजेंट थीटा से निकालेंगे. टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास वी माइनस यू, और बेस की वैल्यू है हमारे पास टी. बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज वी हैव ड्राइव्ड दिस इक्वेशन. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द डेरिवेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन. नाउ कंसीडर वन थिंग, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास ये जो ए बी का मोशन हुआ है, इसकी वजह से हमारे पास ये वाला जो एरिया है टोटल, ये वाला जो एरिया है, ये सारा क्या देगा? जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो हमेशा हमें क्या देता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, क्योंकि जो स्पीड, अगर स्पीड टाइम ग्राफ हम ले रहे हैं तो वो हमें देगा डिस्टेंस. अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं तो वो देगा डिस्प्लेसमेंट. लेकिन यहाँ पर हम हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं और उसके साथ में अगर डिफाइन कर देते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम उसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी इंडिकेट कर सकते हैं और वो हमें क्या देगा? डिस्टेंस देगा. आई रिपीट, जनरली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा होता है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है, उसके अंदर का जो भी एरिया होता है वो एरिया हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है. ठीक है, और अगर यहाँ पे ये वेलोसिटी ना होकर स्पीड है तो ये हमें क्या देगा? डिस्टेंस देगा.
बट अगर हम कंडीशन पुट कर देते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मीन्स उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एट दैट टाइम जो वेलोसिटी है इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। तो हमारा ये जो एरिया होगा ये हमें सिर्फ डिस्टेंस देगा, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा। तो यहाँ पर जो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, एस मीन्स डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस हम किससे देंगे, ये जो पूरा का पूरा एरिया है उससे देंगे। अब ये जो एरिया है इसको हम दो चीज़ों में मान सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक ट्रेपीजियम है, या तो हम इसको ट्रेपीजियम मानकर सॉल्व करेंगे, या इस पूरे एरिया में दो फिगर हैं, एक है राइट एंगल ट्रायंगल प्लस एक है रेक्टेंगल। तो पूरी फिगर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सो वन बाय वन वी विल सॉल्व इट। यहां से हम कंसिडर करेंगे डिस्टेंस एस। डिस्टेंस एस हमें कैसे मिलेगा, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। ओ ए बी सी, अब ये जो ओ ए बी सी है ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड अदर वन इज मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, ए डी सी ओ, ए डी सी ओ, ठीक है। अब ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस हमारे पास क्या है ए डी, और हाइट हमारे पास क्या है बी डी, ए डी इंटू बी डी प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ये हमारी लेंथ है तो ये ब्रेथ है, या ये लेंथ है तो ये ब्रेथ है, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ सी, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ सी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, हाफ इंटू ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए डी इज पैरेलल टू ओ सी, ओ सी की वैल्यू हमारे पास टी है, तो ए डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी टी, इंटू बी डी, बी डी हमारे पास कितना है वी माइनस यू, तो बी डी की वैल्यू हमने पुट कर दी वी माइनस यू, ठीक है। प्लस ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए की वैल्यू है यू इंटू ओ सी की वैल्यू है टी, इसको सॉल्व करिए, एस इज इक्वल टू ये हाफ टी इंटू वी माइनस यू। अब यहां से देखिए प्लस यू टी, वी माइनस यू अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, वी माइनस यू, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आएगा, हमें चाहिए भी क्या ए टी चाहिए, तो हम वी माइनस यू की जगह क्या पुट कर देते हैं, ए टी पुट कर देते हैं प्लस यू टी। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी डॉट टी टी स्क्वायर प्लस यू टी। अब इसको एडजस्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हमने क्या किया था, पूरा का पूरा एरिया कंसिडर किया था, लेकिन उसको टू पार्ट में डिवाइड किया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था एक रेक्टेंगल था, इसका एरिया लिया प्लस इसका एरिया लिया। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी और वैल्यूज को फिर सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब तक आप लोग खुद इसे अपने हाथ से ड्राइव नहीं करेंगे ये आपको नहीं आएगा। इट्स अ मैथमेटिकल टर्म एंड दिस इक्वेशन ऑफ मोशन आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फॉर फ्यूचर पर्पस ऑल्सो। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बट हियर वी कंसिडर दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो दिस इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसमें भी जो एरिया है अंडर का वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय टू प्लस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो इसके हम वैल्यू लिखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए बी एंड ओ सी, ये तो एक दूसरे के पैरेलल है नहीं, बची कौन सी ओ ए एंड बी सी, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो इनका सम मतलब ओ ए प्लस बी सी, तो ये सम हो गया ओ ए प्लस बी सी।
अपॉन टू, सो ये वाली हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। उसके बाद प्लस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है टी, तो ये आ गया हमारे यहाँ पे टी। एस इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू है यू प्लस बी सी की वैल्यू है वी प्लस टी। अब देखिए यहां से हमारे पास ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आ रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज मल्टीप्लीकेशन। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, वी स्क्वेयर या यू स्क्वेयर लाने के लिए हमें कुछ ऐसी टर्म चाहिए जो वी और यू की फॉर्म में हो, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अगर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर को लेके चले, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब ऐसे ही वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर को आप खोलेंगे तो वो आएगा वी प्लस यू वी माइनस यू, सो हमें इसकी फॉर्म में कुछ चाहिए। अब वी प्लस यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए वी माइनस यू, वी माइनस यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, वी विल मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी माइनस यू हमारे पास ये है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है एटी, तो हमें क्या चाहिए खाली टी की वैल्यू अगर मिल जाए इस फॉर्म में, सो टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी वी माइनस यू अपॉन एटी, यहां से टी की वैल्यू आ गई, सो इसको हम लिख सकते हैं वी प्लस यू, एक ही बात है यू प्लस वी या वी प्लस यू बाय टू इंटू टी की जगह पर हम लिखेंगे वी माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए वी प्लस यू और वी माइनस यू दोनों मल्टीप्लाई में है, ये आ गया वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन टू ए, जो कि किसके इक्वल है एस के इक्वल है, तो यहां से हमारे पास आ गया, इस टू ए को इधर ले जाएंगे टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, अरेंज कर लेंगे वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो एक बार तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन रिवाइज कर लेते हैं, तीनों इक्वेशन v प्लस यू वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन देता है टेन थीटा देता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन एरिया से निकलेंगी, एरिया हमारा जो होगा वो हमें डिस्टेंस देगा, इसलिए हमने डिस्टेंस के इक्वल रख लिया है। एरिया हम कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट करके सम करके भी कर सकते हैं, इसको एक ट्रेपेजियम मानकर भी कर सकते हैं, दोनों को मैंने कर दिया है, एक बार समझने के बाद अपने आप अपने हाथ से ड्राइव जरूर कर लेना, अदरवाइज भूल जाएंगे। सो डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस, इन द नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल डू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन।